नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा, बिजली बंद होने से 4 बच्चों की मौत। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू में पावर कट से बवाल मच गया। बिजली गुल होने के बाद बैटरी बैकअप में दिक्कत आने से वेंटिलेटर बंद होने से हादसा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान अस्पताल के एनएससीयू में 4 बच्चों की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि नवजात बच्चों की मौत पावर कट की वजह से हुई है, जबकि 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अन्य कारणों से भी अन्य बच्चों की मौत की खबर है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात बिजली गुल होने व बच्चों की मौत की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अधिकारियों पर भड़के हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सीएम से चॉपर का आग्रह किया है, चॉपर नहीं मिला तो सड़क मार्ग से तत्काल अंबिकापुर निकलूंगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचकर मौत के कारणों की समीक्षा करेंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी दुर्घटना की वजह से मासूम बच्चों की मौत की, बिजली बंद होने की वजह से परिजन अस्पताल प्रबंधन पर अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली सरप्लस राज्य होने के दर्जा करने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिजली बंद होने से अफरा तफरा मच गई थी। वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते ही सरगुजा के कलेक्टर अस्पताल पहुंचकर मातृ शिशु वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। नमस्कार, अंबिकापुर एमसीएच अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा, भी रोड मार्च से अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। 12:30-1 बजे के बीच में हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे और अंबिकापुर अस्पताल में जाके वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेके जवाबदेहियां तय करके कहां कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी उनकी समीक्षा करके और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शन अपनी ओर से दिए हैं। मौके पर जाके हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही जो भी परिजन अगर होंगे उनसे भी जानकारी लेके कि उनका अनुभव क्या था, क्या उनके मन में बातें हैं, इसके लिए हम लोग तत्काल अंबिकापुर रवाना हो रहे हैं।